हेलो दोस्तों, मैं बादल। मैंने हाँ। एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल फिल्मी रिएक्शन में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपकी फेवरेट जोड़ी बादल एंड नेहा, आपकी दूसरी फेवरेट जोड़ी खेसारी एंड काजल राघवानी, कह रही है बता दो, आपको पता नहीं कौन है? दोबारा पूछो भाई, आपकी पूछो। अब तो पता है लोगों को, कटवाना चाहती है सीन। नहीं, दोबारा पूछो तो एक बार। दूसरी जोड़ी कौन सी है? दूसरी फेवरेट जोड़ी खेसार लाल यादव और काजल राघवानी। ये ऐसे करेगी नहीं, बोर करेगी ऐसे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों को अब नेह ने नाक मटकाई ना, तो मुझे एक बात याद आ गई, बता देता हूँ। मैंने डुग्गू से पूछा है, डुग्गू हमारा बेटा जिसको नहीं पता है, कि बेटा मम्मी सबसे पहले क्या बनाती है? चाय बनाती है, मैगी बनाती है, क्या बनाती है? वो बोला पापा मुँह, ऐसे करके मुंह बोल के ऐसे करा, ऐसे करती है। और ये ट्रेन किसी ने किया उसको? ये सिखा के कौन लाया था? से जब भी पूछ रहा है, कहता है वो मुंह बनाती है ऐसे। तो मेरे प्यारे भाइयों, काजल राघवानी एंड खेसारी लाल यादव का एक सुपर सा गाना लेके आ गए हैं। गाने का नाम है हरदिया काम ना करी ताजा, और गाना है मैं सहरा बांध के आऊंगा मूवी का। ठीक है, तो मूवी भी उस समय, गाना भी उस समय, जोड़ी सुपर्ब है। तो चलिए गाना एंजॉय करेंगे, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और जिन्होंने कमेंट करे उनके नाम नहीं लेने, वो तो लेनी ही है। हाँ। और क्या कर लो, इंस्टाग्राम पे कर लो फॉलो। तो अब ये गाना हमें सजेस्ट किया है रोशन कुमार, करमवीर यादव, कासिम शेख, क्षत्रिय ऑफिशियल, LTP मस्ती, निशा, प्रिंस गोस्वामी, पूनम कुमारी, राहुल यदुवंशी, सविता, सत्या सिंह यादव, स्मार्ट विक्की विशाल। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। हम दोनों, मतलब हम लोग भी खूब एंजॉय करते हैं खेसारी एंड काजल की जोड़ी को। बिल्कुल, इनके स्टेज शो औसम होते हैं, इनके गाने औसम होते हैं। तो चलिए एक और ऐसे ही औसम सा गाना देखते हैं, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे नेहा के स्टाइल में। नेहा के स्टाइल में। अच्छा, तो यही खड़े हैं। पार्टी
अच्छा Awesome. हमेशा की तरह आज इस गाने में भी खेसारी लाल एंड काजल राघवानी छा गए, क्यों नहीं? बिल्कुल ऑसम केमिस्ट्री थी, आवाज बहुत अच्छी थी मेल सिंगर की भी, मेल सिंगर तो खेसारी लाल यादव थे, फीमेल सिंगर नहीं पता कौन थी, लेकिन जो भी थी बहुत अच्छी, जो भी थी बहुत अच्छी, नाम नहीं है, अगली बार नाम लेके आएंगे साथ में सिंगर का भी रिसर्च थोड़ी ज्यादा करेंगे, लेकिन जो भी सिंगर थी आवाज बहुत माइंड ब्लोइंग थी इनकी भी, खेसारी लाल यादव के साथ प्रॉपर मैच करी थी, और गाना 1001% ये गाना बहुत सुपर डुपर हिट रहा होगा। हाँ बिल्कुल, सबसे मेन वजह उसकी यह है ये जोड़ी जोड़ी, ठीक है, आवाज कोई डाउट नहीं है, खेसारी लाल यादव की आवाज बहुत अच्छी है, गाने में भी आवाज बहुत अच्छी थी, म्यूजिक बहुत अच्छा था, सेटअप इतना अच्छा नहीं था लेकिन ध्यान ही नहीं जा रहा था सेटअप, लेकिन कमी नहीं महसूस हो रही थी कुछ। हाँ मतलब बहुत इजी पीजी सा सेटअप था, जैसे तुरंत सा शूट कर दिया हो, नॉर्मल लाइट लगा रखे पीछे वो ऑटो मूव वाली, और उसी में गाना शूट कर दिया, कोई ज्यादा अच्छी लोकेशन नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन उस पर ध्यान ही नहीं जा रहा था क्योंकि जोड़ी इतनी सुपर थी सच में। और जब काजल राघवानी सेकंड ड्रेस में आई ना तो क्या लग रही थी यार, माइंड ब्लोइंग लग रही थी, क्यों ऐसे लग रही थी, अप्सरा उतराती है ना उस टाइप की ड्रेस थी वो, जैसे पुरानी मूवी में दिखा जाता था ना स्टेज स्टेज का स्वर्ग में अप्सरा होती थी, इंद्र के वो डांस डूंस करती थी, वैसी वैसी ड्रेस थी, उसमें लग रहा था सच में माइंड ब्लोइंग। मैंने तो बहुत एंजॉय किया नेहा, मैंने भी बहुत एंजॉय किया, और कुछ मेंशन करना चाहिए? नहीं सब आपने कर दिया, अरे कुछ तो कर दो यार, अरे कुछ तो कह दो यार, कुछ तो कह दो, नहीं बस जोड़ी बहुत अच्छी, जोड़ी बहुत अच्छी थी, और अरे बता दो यार कुछ और बता दो बस, अरे बेइज्जती कर रहे हो मेरी। अच्छा तो दोस्तों सच में ऑसम था गाना, बहुत एंजॉय किया हमने, मजा आ गया, तो इसी आदम इस वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें, टाटा बाय बाय।